भगवान भक्त से क्या कराते हैं, क्यों कराते हैं, ये भगवान जाने। भगवान के ऊपर कोई शास्त्र वेद का नियम नहीं चल सकता। भक्त का अपना कोई शास्त्र नहीं होता है, कोई अपनी प्रतिष्ठा नहीं होती है, मान सम्मान नहीं होता है, उसका जीवन प्रभु है, जैसे रखें वे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम गोविंद कहिए, जाहि विधे राखे राम ताहि विध रहिए। हरे राम गोविंद कहिए। जैसे प्रभु रखते हैं उसी तरह रहना चाहिए। भक्त करना अपना कोई मान होता है, न सम्मान होता है, न धर्म होता है, न अधर्म होता है, न विधि है, न निषेध है। शरणागत भक्त केवल आज्ञा पालन करता है, बस इसी में उसका कल्याण हो जाता है। आज्ञा पालन, कठिन परिस्थितियों में भी आज्ञा का निर्वाह करना, ये आज्ञा पालन है। चाहे नरक मिले, चाहे कुछ मिले। गोपियों ने श्री कृष्ण को चरण रज दिया था, उदर शूल जब पेट का दर्द हुआ था, सारे ब्रह्मांड में नारद जी घूम आए, किसी ने नहीं दिया, उनकी पटरानियों ने भी नहीं दिया। भगवान को चरण रज हमारे पति हैं, देने पर हमें कितनी दुर्गति होगी। नारद जी लौट के द्वारिका गए, वो कृष्ण बीमार थे, चिल्ला रहे थे हाय हाय। बोले हम सारे ब्रह्मांड में घूम आए, आपको चरण रज देने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा हमारी दवा यही है, किसी भक्त का चरण रज मिल जाए। कृष्ण बोले क्या तुम ब्रज में गए हो? बोले नहीं, ब्रज में तो इसलिए नहीं गए कि तुम ब्रज छोड़ आए हो। सारे ब्रजवासी दुखी होंगे। जब द्वारका की 16,108 पटरानियों ने नहीं दिया तो तुम उनको छोड़ आए हो, वो बेचारी कैसे दे सकती हैं? उनसे तो प्रकट लीला में तुम्हारा कोई संबंध भी नहीं है, तुमने ब्याह करके उनको छोड़ दिया। एक तरह से तुम्हारा प्रेम प्रेम नहीं रहा, एक छद्म रहा, इसलिए मैं नहीं गया ब्रज में। कृष्ण बोले जाओ। नारद जी आए, यमुना किनारे गोपियां बैठी थीं, नारद को देख के दौड़ पड़ी। नारद आओ, नारद जी प्रणाम, कहां से आ रहे हो? द्वारिका से। कृष्ण का क्या समाचार है? बहुत बुरा समाचार है। क्यों? भयानक पेट में पीड़ा है। औषधि, बोले बहुत सी औषधि दी गई, मर्ज रोग बढ़ता गया। तो क्या कोई उपचार नहीं? बोले है, कोई भक्त चरण रज दे दे। तो फिर बोले हम सब त्रिलोकी में घूम आए, किसी ने चरण रज नहीं दिया। बोले क्यों? बोले सब कहते हैं भगवान को चरण रज देना अधोगति है। क्या पटरानियों ने भी मना कर दिया? बोले हाँ, स्त्री को अपने पति के लिए चरण धोके पिलाना, चरण रज देना, ये शास्त्र मना करता है। बोले इसलिए नहीं दिया? बोले नहीं दिया। तो तुम नारद हमारे पास से ले जाओ, हमको अनंत काल तक नरक मिलेगा तो हम आराम से भोग लेंगी। कृष्ण स्वस्थ होने चाहिए, अपने आप अपने पांव में घिस घिस करके चरण रज देने लग गई। नारद जी का दीपट वो चादरा गट्ठर भर गया। अरे बोले क्या भाई, इतने हजारों गोपियां, हमारा ले जाओ, हमारा ले जाओ। बोले इतना चरण रज तो कई गाड़ी में भी नहीं आएगा, मैं कोई तो एक मनुष्य हूं, इतना ढोंबल ले जाओ, काम आएगा, दवाई रखनी चाहिए पहले से। नहीं नहीं, ला करके कृष्ण को दिया, स्वस्थ हो गए। इसको प्रेम कहते हैं, निस्वार्थ संबंध है। कृपा करो राधा,
रानी कृपा करो।